हाय गाइस, सब सभी का स्वागत है फिर से एक नए वीडियो के अंदर। फाइनली मेरे Realme 8 डिवाइस के अंदर Realme Mi 3 का स्टेबल वर्जन जो है मिल चुका है। तो आज इसी के बारे में हम पूरी डिटेल के बारे में जानेंगे, सो लेट्स बिगिन। तो चलिए सबसे पहले हम अपडेट की डिटेल्स जान लेते हैं। तो सबसे पहले अगर आप वजन चेकआउट करें तो देखेंगे C.06 जो है आपको वजन देखने को मिलेगा, और देखेंगे ऑफिशियल वर्जन यानी कि स्टेबल वजन, और साथ ही में देखेंगे Realme Mi 3 और Android 12 के ऊपर बेस है। और अगर हम अपडेट की साइज़ की बात करी जाए तो देखेंगे लगभग 1 GB के अराउंड जो है हमारा अपडेट रहने वाला है। और अगर हम देख लिया जाए इसका अपडेट लॉग तो देखेंगे जो वही है जो ओपन बीटा में हमको शेयर करा गया था अपडेट लॉग, सेम वही अपडेट लॉग जो है यहाँ पर कॉपी करा गया है। फिर भी आपको उसके बारे में थोड़ा सा बता देता हूं। सबसे बड़ा चेंज यहाँ पर वो आएगा कि आपका जो डिज़ाइन है और ओवरऑल जो जितने भी एनिमेशन है वो सब कुछ चेंज होगा। और कन्वीनियंस एंड टूल के अंदर देखेंगे इन्होंने जो है काफ़ी सारी चीज़ें ऐड करी है, जैसे कि फ्लैक्स ड्रॉप को जो इन्होंने रीनेम करके फ्लेक्सिबल विंडोज़ कर दिया और काफ़ी ज़्यादा इसको इम्प्रूव करा है। और यहाँ पर जो है फ्लोटिंग विंडो को देखेंगे वहाँ पर इन्होंने वही शो करा है कि हमने जो है काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव करा है। परफॉर्मेंस के अंदर देखेंगे इन्होंने जो है क्विक लॉन्च जो है इन्होंने ऐड जो है फीचर नवा ऐड करा है, और साथ ही में देखेंगे इन्होंने और भी चीज़ें ऐड करी गई है। और वाईफाई ब्लूटूथ के जो इन्होंने स्टेबिलिटी वो भी इम्प्रूव करी है। और गेम्स के अंदर देखेंगे इन्होंने ऐसा बताया कि अब जो है आपका गेम जो है थोड़ा स्टेबल फ्रेम रेट देगा पहले से, और सीपीयू का लोड यहाँ पर इन्होंने कम किया है ताकि बैटरी ड्रेन ज़्यादा ना हो। और कैमरे के अंदर देखेंगे तो इन्होंने जो है थोड़ा बहुत इधर जो है चेंजेस करा है, ज़्यादा चेंजेस नहीं है कैमरे के अंदर, क्वालिटी के अंदर तो ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, खैर आपको आगे पता चलेगा। और सिस्टम के अंदर देखेंगे इन्होंने जो है ब्राइटनेस को जो है एल्गोरिथम उन्होंने जो है उसको ऑप्टिमाइज़ करा है, और साथ ही एसेबिलिटी के अंदर देखेंगे तो थोड़ी बहुत चीज़ें इन्होंने ऐड करी है जो कि आप देख सकते हैं। तो मैंने कल ही मैंने फोन के अंदर बीटा वर्जन इंस्टॉल करा था जो कि है C.05, वो लगभग 5 GB का था, और फिर से मेरे को आज जो है अपडेट देखने को मिल गया। पर चलो यार स्टेबल वर्जन कम से कम मिल गया तो सीधे स्टेबल वर्जन के ऊपर वीडियोज़ आएंगी। तो अब बात करते हैं आपको ये अपडेट कब तक देखने को मिलेगा। तो जितने भी लोगों ने जो है अपने फोन के अंदर ओपन बीटा इंस्टॉल कराया तो उनको जो है एक हफ्ते के अंदर जो है अपडेट सारे देखने को मिल जाएंगे। और जिन्होंने भी अभी तक 8.26 या 8.24 वाले Realme Mi 2 के स्टेबल वर्जन पर होंगे तो उनको जो है थोड़ा सा टाइम लगेगा, लगभग 2 हफ्ते का, और उनको भी जो स्टेबल है वो जाके देखने को मिल जाएगा। जो लोग ओपन बीटा के अंदर है उनको जो है लगभग 1 GB का अपडेट मिलेगा, और जो लोग Realme Mi 2 पर है उनको जो है लगभग 5.5 GB तक का अपडेट जो है वो देखने को मिलने वाला है। तो बस इस वीडियो के अंदर मैंने आपको थोड़ी सी डिटेल्स दी अपडेट के बारे में, और इतना बताया है कि हाँ फाइनली जो है रोल आउट होना स्टार्ट हो चुका है, अब धीरे धीरे सबको मिल जाएगा। तो अब जो है आपको 1-2 दिन के अंदर अपडेट रिव्यू देखने को मिलेगा, तो फिर आप आपके फोन में अपडेट कर लेना। तो उसके लिए जो है आपको अगर आप नए हो चैनल पर तो आपको सब्सक्राइब करके बने रहना होगा। तो बस आज वीडियो पसंद था, अगर वीडियो पसंद वीडियो को एक लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं वीडियो में, तब तक के लिए बाय।